तो हेलो फ्रेंड, फिर से और एक नए वीडियो पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा आईपीएल फ्री रिचार्ज ऑफर के बारे में। जैसे कि सब लोगों को पता है कि ये जो ऑफर है गाइस, कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि ये जो मैसेज है गाइस, इस मैसेज से क्या सच में रिचार्ज होता है। मैं अपना नंबर का रिचार्ज करने का प्रयास करूँगा। आप पूरा वीडियो को देखते रहे, तभी आप इस लिंक पर क्लिक करें। विदाउट इस वीडियो को ना देखें, आप लिंक पर क्लिक ना करें, ठीक है। पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद ही आप रिचार्ज करने के प्रयास करें। मैं आपको हर एक चीज़ लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं फटाफट शुरू। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं इस लिंक पर क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। इस लिंक पर जैसे मैं क्लिक कर लेता हूं, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद गाइस कुछ इस प्रकार से क्रोम ब्राउज़र में एक पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर गाइस बताता है कि आपको यहाँ पर चेक नाम पर एक बार क्लिक करना होगा। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार से नंबर गिनती होता है 100 तक। उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपके सामने एक इंटरफेस आता है। और देखिए गाइस, यहाँ पर लिख रहा है कि आपके सत्र में सभी लोग को रिचार्ज पा सकते हैं, कृपया अपना नंबर यहाँ पर डालें, ठीक है। यानी कि आपका नंबर यहाँ पर डालने के लिए बोल रहे हैं एंटर योर नंबर। तो गाइस, मैं यहाँ पर अपना जो पर्सनल नंबर है नहीं डालूंगा, बल्कि कोई भी एक रैंडम सा नंबर यहाँ पर डाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अगला स्टेप क्या है। तो मैं सिंपली 9 से लेकर 1 तक नंबर को टाइप कर लिया हूँ। उसके बाद रिचार्ज का ऑप्शन पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैं क्लिक कर लिया, उसके बाद देखिए लिख रहा है कि 3 स्टेप पूरा किया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, 3 स्टेप को पूरा होने देते हैं। उसके बाद ही गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से रिचार्ज होता है। तो चलिए देखिए गाइस, ऊपर में 2 ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद देखिए, तो सबसे पहले आप ये देख लेंगे क्या ऊपर में लिखा है कि देखिए लिखा है कि बधाई हो, आपको 3 महीने का लिए फ्री रिचार्ज मिला है। फ्री रिचार्ज को एक्टिव कैसे करें, यानी कि एक्टिव करने का रूल यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो 1 नंबर पॉइंट है, यहाँ पर बताया जाता है कि इस रिचार्ज को एक्टिव करने के लिए ये जो मैसेज है गाइस, इस तरीके से ये जो बटन शो कर रहा है, व्हाट्सएप का बटन है, यहाँ पर क्लिक करके आप 5 ग्रुप में शेयर करें इस मैसेज को। नहीं तो आपका 10 लोगों के पास ये मैसेज को शेयर करें, तभी आपका ये जो रिचार्ज मिलेगा, आपका रिचार्ज एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहां से रिचार्ज करना है कि नहीं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको रिचार्ज नहीं कराना है, ये एकदम फेक है, 110% फेक है। और आपको मैं हाथ जोड़ के मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका खुद का नंबर, पर्सनल नंबर आप यहां से मत डालें, ठीक है। अगर आप अपना पर्सनल नंबर यहां पर डालते हैं तो आपका गाइस पर्सनल डेटा लीक हो सकता है, आपका डेटा के साथ छेड़खानी किया जा सकता है। तो अगर आपको इस बात को समझ में आया तो आप इस वीडियो को दूसरों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इसके बारे में उसको भी नॉलेज मिले कि भाई ये जो मैसेज है गाइस, ये जो इस तरीके से लालच दिखा रहा है रिचार्ज कराने का, तो गाइज ये फेक है, बिल्कुल फेक है। अगर आप यहाँ से नंबर डालते हो तो आपके पर्सनल डाटा लीक हो सकता है। तो गाइज मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, चलिए इसका काला सच्चाई क्या है, तभी आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये कितना ज़्यादा मतलब फेक है। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो कॉमेंट है गाइज लिख रहा है कि 159K कॉमेंट है। और अगर आप देखेंगे नीचे, देखिए 4-5 ही कॉमेंट है, उससे ज़्यादा कॉमेंट यहाँ पर नहीं है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये जो कॉमेंट किया है, इन लोगों ने खुद किया है, स्कैम करने के लिए खुद का ही कमेंट किया है, ठीक है, ताकि लोग इसे पढ़े और अपना नंबर यहां से डाल के रिचार्ज करे। तो गाइस आई होप कि आपको सही तरीके समझ में आया है कि आपको यहां पर अपना नंबर नहीं डालना है रिचार्ज का लालच में, और दूसरों को भी आप इस मैसेज को मत शेयर करें, ठीक है, ताकि आपका भाई हो या आपका बहन या तो रिश्तेदार हो, कोई भी इसका मतलब जाल में ना फंसे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया तो वीडियो एक लाइक कर दीजिए, और फिर मिलते और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छा रहे, सुस्त रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।